हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉर्ड विविल के काल की अन्य घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने नौसेना विद्रोह तक जान लिया था। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना। ये योजना 1946 में भारत आई थी। सबसे पहले इस योजना के गठन के बारे में जानते हैं। उस समय इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे और उस आम चुनाव में लेबर पार्टी के उम्मीदवार इटली विजयी हुए थे और इटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही इटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए एवं तत्कालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए, जो उस समय भारत में चल रही थी, उन्हें दूर करने के लिए 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन गठित किया। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। अब ये जानते हैं कि इस मिशन के मेंबर कौन कौन थे। इस मिशन के अध्यक्ष थे तत्कालीन भारत सचिव या भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य थे इस मिशन के। पहले है स्टेफोर्ड ट्रिप्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के हेड थे, यानी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और दूसरे मेंबर थे एवी एलेक्जेंडर, जो नौसेना प्रमुख थे, एडमिरल थे। तो 3 सदस्यों का एक मिशन बनाया जाता है और इसी मिशन को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। अब इस मिशन के प्रावधानों के बारे में जानते हैं। प्रावधान का पहला पॉइंट है पाकिस्तान की मांग को नामंजूर। इस योजना ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को साफ साफ स्वीकारने से मना कर दिया। दूसरा प्रावधान है संघीय ढांचे का निर्माण किया जाना, अर्थात भारत एक संघ का निर्माण करेगी जिसमें ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतें शामिल होंगी, यानी कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगी और केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। यानी संघ बनने के बाद जो शक्तियों का वितरण होगा वो केंद्र और राज्यों के बीच होगा। शक्तियों के बंटने के बाद, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां के बढ़ जाने के बाद, जो अन्य शक्तियां बचती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, वो प्रांतों के पास ही रहेंगी। उन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रांत ही करेगा। इस प्रावधान में अगली बात कही गई प्रांतों को 3 गुटों में बांटने की बात कही गई, यानी प्रांत को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। अगला पॉइंट संविधान सभा व अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई। अंतरिम सरकार का गठन होना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि इसी अंतरिम सरकार के नेतृत्व में ही संविधान का निर्माण किया जाना था। इस योजना से गांधी जी पूरी तरीके से समर्थित थे। इस योजना का गांधी जी ने समर्थन किया था। अन्य लोगों ने इस योजना का समर्थन नहीं किया था, यानी कि कांग्रेस और लीग इस योजना को मानने से मना कर रही थी। कांग्रेस इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इस योजना में प्रांतों को समूहों में बांटा जा रहा था, और लीग इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इसमें लीग के पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अपनी अनिच्छा से इन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया और योजना के अनुसार संविधान बनाने के लिए, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए चुनाव हुए। और इस चुनाव में 296 सीटों में से 205 सीटें कांग्रेस को मिलती है और मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिलते हैं। इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो जाती है।
उसका असंतुष्ट होने का पहला कारण था पाकिस्तान की मांग का नामंजूर किया जाना, दूसरा इतनी कम सीटों का मिलना। इस तरीके से मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार करती है और यह निश्चित करती है कि वो पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करेगी, अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे बनाती है 16 अगस्त 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के साथ ही साथ समस्त देश में जगह जगह दंगे होने लगते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और यही अंतरिम सरकार संविधान सभा का निर्माण कर। मुस्लिम लीग प्रारंभ में तो इस अंतरिम सरकार का विरोध करती है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी लीग के लियाकत अली को इस अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है। लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है लेकिन संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होती है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके ठीक दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मशक्कत के बाद संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद जो अगली घटना हुई वो है इटली की घोषणा। ये पहले ही बताया जा चुका है कि इटली इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी के थे जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से सहानुभूति रखते थे। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि सम्राट की सरकार जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। इस घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र करके वापस चले जाएंगे। तो ये मुख्य घटनाएं थी लॉर्ड विविल के काल की।